जय श्री श्याम बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू रिमेंबर फार्मूला इन सीए फाउंडेशन मैथ्स स्टैट एलआर। बात करने वाला हूं बच्चों कि सीए फाउंडेशन में मैथ्स स्टैट एलआर के काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं, है ना, उसको कैसे याद करना है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं सर तो 3 चैप्टर है ना ऐसे हैं जिसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, है ना। इंडेक्स नंबर के अंदर भी फार्मूले बहुत ज़्यादा है आता है, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट हाँ फार्मूले भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो सर इनको कैसे तैयारी करें सर? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है मैथ्स के अंदर, सर इसमें भी फार्मूले बहुत ज़्यादा है, सर याद नहीं होते, क्या करें सर? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग के अंदर बहुत सारे फार्मूलेस हैं, उनके लॉज हैं, रूल्स हैं, है ना, एक तरीके से वो हमको फार्मूले ही लगते हैं। तो सर उनको कैसे करना है थोड़ा फटाफट प्लीज़ बता देंगे। चलो बच्चों, तो इसी पर ये वीडियो है आपका कि हाउ टू रिमेंबर फार्मूला इन सीए फाउंडेशन मैथ्स स्टैट एंड एलआर। ध्यान से समझना मेरी हर एक बात को बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमें याद कब होती है, अच्छे से कब होती है बताओ सर? एक ही तरीका है, क्या? लिखने से। सर क्या करना पड़ेगा बच्चों? लिखने से आपको याद आती है। तो जब मैं बात करूंगा फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। कैसे? राइटिंग, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं हुई तो आप याद नहीं कर पाओगे फॉर्मूले को। कई बच्चे क्या करते हैं, एक पेज के ऊपर लिख देते हैं, दीवार में चिपका देते हैं, उसको पढ़ रहे हैं दिन रात पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने का, जितना लिखोगे उतना ही दिमाग के अंदर याद होगा, कंसेप्ट चीज पता चलेगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलो अब जैसे मान लो मैं बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मान लो रेगुलर एन्यूटी का। देखो कैसे याद होगा, रेगुलर एन्यूटी का, ठीक है। किसके केस में? फ्यूचर वैल्यू निकालना है। रेगुलर एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब यहां पे देखो सीधा मुझे मान लो एक फॉर्मूला तो मैंने रट्टा मान लिया, आर होता है, यहां पे मुझे पता है सर 1 + i होल टू दी पावर n - 1 और अपॉन क्या होता है? आई होता है, ठीक है। अब इसको आप 2-3 बार लिखो, देखो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब क्या होगा अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया आपको निकालना है एन्युटी ड्यू। देखो समझो चीज को, एन्युटी ड्यू में आप अगर फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकालना है? तो आपने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, सिर्फ आपने ये चीज याद रखी है, ये आपको अच्छे से आता है। अब थोड़ा सा जब आप लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों इसमें देखो क्या है, आर 1 + i होल टू दी पावर n - 1 अपॉन आई, सेम वही चीज लिखा है सर, बस यहाँ पे 1 + i, ठीक है। ये रट्टा मारोगे नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखोगे ना तो आपको पता चल गया अरे मैंने ये चीज लिखी थी, अरे इसके बाद सिर्फ 1 + i ऐड कर दिया, तो देखो कितना इजी हो गया। उसी तरीके से अब मान लो मैं अगर फ्यूचर वैल्यू छोड़ के अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ। चलो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ रेगुलर एन्युटी के केस में, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो आर, देखो इसी से, देखो मैंने सिर्फ ये याद रखा, इसी से सब निकाल रहा हूँ। आर प्रेजेंट वैल्यू के केस में क्या होता है, ये 1 आगे आ जाता है, बस 1 ये आगे आ गया, ये माइनस का माइनस एज इट इज, 1 का 1, प्लस का प्लस, आई का आई सेम रखा मैंने, देखो कुछ नहीं, नीचे आई का आई लिख रहा हूँ, सब कुछ वही किया बच्चों, सिर्फ यहाँ पे एन के जगह पे मैं -n कर रहा हूँ, बस देखो ये डिफरेंस है। तो ये याद था, ये ऑटोमेटिकली आ गया, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब एन्युटी ड्यू के केस में अगर मुझे बोला गया कि सर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो देखो सिंपल से ये मुझे तो याद हो गया, इससे ये याद हो गया। अब देखो कैसे निकलेगा, तो सर इसके केस में देखो ये सेम 1 - 1 + i, ये सेम, ठीक है, यहाँ पे i सेम, यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे हो जाएगा -n - 1 जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और प्लस आर 1 आ जाएगा। तो बच्चों देखो कितना तरीका है, मतलब आपने ये लिखा था, आपको ये याद है, ये याद है, तो इससे आपको पता चल गया। लिख के आराम से इसको लिखो तो आपको पता होगा हाँ मैंने ये किया था, इससे ये पता चल गया, इससे ये पता चल गया। तो कहने का मतलब जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी ना आप लोग नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे जीतता जागता सबूत है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाया। तो करना क्या है, फॉर्मूले को लिखना है। अब लिखने से ही नहीं होगा, इससे फायदा क्या होगा कि अब जब करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी करोगे फिर, ठीक है। तो बस एक ही उपाय है, क्या? राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। बच्चों जितना आप लिखेंगे फॉर्मूले को उतना ही आपको याद होगा। अगर शायद हम टीचर भी अगर ये क्वेश्चंस ना करें, फॉर्मूला यूज ना करें, हमारा दिमाग भी जाम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आप लोग को पढ़ाते रहते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते रहते हैं ताकि वो चीज हमें भी याद रहे। समझ में आए, ये मेन फैक्ट है। क्योंकि हर क्वेश्चन का, हर फॉर्मूले का जरूरी है कि सबको डेरिवेशन याद हो। है कि पॉसिबल है? नहीं है सर। तो बस एक चीज ध्यान रखना, क्या लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।